नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर के फासले पे नूह का वो इलाका जो कल पूरे दिन यानी ठीक अब से 24 घंटे पहले अशांत रहा, उस इलाके से जो तस्वीरें आई वो चीख चीख कर ये बता रही थी कि उस इलाके को पूरे तरीके से अशांत करने की कोशिश की गई। मैं जहां पे खड़ी हूँ वहां से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे पे सिर्फ और सिर्फ कांच बिखरे हुए हैं, टूटी हुई गाड़ियां, उसके शीशे टूटे हुए, वो गाड़ियां फूकी हुई, थाने को आग लगाते हुए लोग। लेकिन अब पूरी तरीके से इलाका शांत है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अब देखिए, मैं जहां तक आपको तस्वीरें दिखाऊंगी आपको पुलिस कर्मियों के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी दिखेगी। ये वो टीमें हैं जिसने बीते 24 घंटे में पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में कर लिया है और इसी टीम की बदौलत अब परिंदा भी इस इलाके में पर नहीं मार सकता है। आपकी अभी तक जहां तक निगाहें जाएगी दोनों ही तरफ, यानी यहां से मैं दिखाऊंगी पुलिस मुख्यालय है ये, और ये जितनी भी गाड़ियां आपको दिख रही है सिर्फ और सिर्फ इसमें पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। ये वो पुलिस कर्मी है जिनको 24 घंटे पहले यहां आनंद फानन में कई पुलिस कर्मियों को तो हेलीकॉप्टर से भी, क्योंकि ये सारे रूट्स बंद हो गए थे, कल इस इलाके से मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस वक्त देखिए इन्हीं टीमों के बदौलत अभी जो ये पूरा इलाका शांत है वो इनकी मेहनत की बदौलत। ये 24 घंटे से चौकन्ना है, ये अलर्ट है और चाहते हैं ये कि अब कोई साजिश यहां पे ना हो। जिस साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है उसके बारे में पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है और उस चुनौती से निपटना इन्हीं टीमों को है। इस वक्त जितनी भी आप टीमें देख रहे हैं ये सब चौकन्ना है, ये सब अलर्ट है। इतनी संख्या तो सिर्फ मैं यहां पे आपको दिखा रही हूं। यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती आपको देखने को मिलेगी और इन टीमों ने जो कदम उठाए हैं वो वाकई सराहनीय है। हाँ, शुरुआती वक्त में थोड़ी सी दिक्कतें आई, अगर उस समय तमाम ये पुलिस फोर्सेस होते तो शायद हालात कुछ और होते या जो उपद्रवियों ने अपने हाथ में कानून लिया वो नहीं ले पाते। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज क्या कहते हैं वो सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल से ही लगातार वो बार बार दोहरा रहे हैं कि ये साजिश है, ये प्री प्लान्ड है, इसके बारे में पहले से ही बकायदा तैयारी की गई थी, वरना सड़कों पे पत्थर, वरना कुछ लोगों के घर पे पत्थर कहां से आए। ये तमाम बातें हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं जिनके हाथों में प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की कमान है, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है, उन्होंने कहा है कि साजिश की बू आ रही है लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।